BCN ग्रुप के फाउंडर सिराज शेख, इन्होंने अपने पुश्तैनी घर पर पूरे परिवार के साथ इकट्ठा होकर रमजान ईद मनाई और नागरिकों को भी ईद की बधाइयां दी है। किसी भी पर्व और त्योहार का मजा तब तक नहीं आता जब तक हम अपनों से दूर हो। अपनों के बीच कोई भी त्योहार और पर्व मनाने से खुशियां दोगुनी हो जाती है। इसी बात को दर्शाते हुए BCN ग्रुप के फाउंडर सिराज शेख, इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ इकट्ठा होकर रमजान ईद घर पर मनाई है। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए अपील की है कि अमन शांति और एकता के साथ ये खुशी का पर्व मनाएं। आज पूरे रमजान में जिन लोगों ने रोजा रखा उन लोगों के लिए इनाम का दिन है। आज ईद उल फित्र उसी लिए रखा गया है अल्लाह ताला की जानिब से। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। शेख परिवार की जानिब से, BCN ग्रुप की तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। छोटे बच्चों को उससे लेके बड़े तक सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। छोटे बच्चों का अलग ही माहौल रहता है, आज ईदी मिलती है सबको, इसलिए बहुत खुश होते हैं बच्चे भी। अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है ईद, इसलिए सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अब दिन का शेड्यूल ऐसा रहता है, सुबह उठो, फजर की नमाज़ पढ़ो, उसके बाद ईद की तैयारी करो, ईद की नमाज़ को जाओ, उधर से आओ, एक दूसरे से हंसी खुशी गले मिलो, सेवैयाँ खाओ, मिठाई खाओ, एक छोटे छोटे बच्चों को ईदी दो। दिन भर यही मिलने मिलाने वाला का चलता है, कोई किसी के घर जाता है, कोई अपने घर आता है, बस यही मिलने मिलाना चलता है। आज के दिन संदेश ये दूंगा कि हालात बहुत ख़राब है, उस हिसाब से अमन और शांति बनाए रखे सब लोग, ईद को, ईद की खुशी को कायम रखे, एक दूसरे से अगर किसी से बातचीत बंद भी हो तो आज विशेष करके आज ईद के दिन उससे जाके मिले, माफ़ी तलाफी करे, एक दूसरे से माफ़ी मांगे और गले मिल के ईद की बधाई दे एक दूसरे को खुशी, बस यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। गर्ल कंट्री छोड़ के पूरे दुनिया में आज ही ईद है। ईद की जो बधाई है आज 30 रोजे आज कम्प्लीट हुए इंडिया में, 30 रोजे के बाद इनाम का दिन है आज, तो इनाम के तौर पर सब खुशियाँ मनाते हैं और ईद को इन्जॉय करते हैं। हम शेख परिवार है पूरा, ये पूरा एक इकट्ठा इस साल में एक बार ही होता है, बाकी तो सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। और लाइफ में हम लोग कई सालों से इसी ईद मनाते हैं, हमारा पुश्तैनी घर है, हमारी सबकी पैदाइश इसी घर में हुई है और पूरे शेख परिवार की तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई आपको। क्या संदेश? अमन और शांति रहे देश में, बस यही चाहेंगे हम। फितर अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट दिया जाता है उनके बंदों को, तो सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा, जितने भी शहर वालों, देश वालों, सबको ईद उल फितर की मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। नहीं, इसमें मेरा वो एक ही है कि देशवासियों के हिसाब से जो जो ईद उल फितर जो सब मना रहे हैं, तो एक उत्साह के साथ में और सब एक मिलजुल के ये चीज़ मनाना चाहिए, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद।